नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज वास्तु ज्ञान में लेकर आया हूं घर का ब्रह्मस्थल, घर का मध्य स्थान दूषित हो तो हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी जीवन में भरपाई करना बहुत मुश्किल हो सकती है। घर के बीच स्थल पर सीढ़ी होना, खड्डा होना, पानी का टैंक होना, कोई भारी पौधा होना या कोई भारी वस्तु होना, ये नुकसानदायक है, क्योंकि ब्रह्मस्थान वास्तु का मर्म स्थान है, कोमल स्थान है, ये नाभि का स्थान आगे है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें नुकसान क्या देख सकता है जीवन में? अगर इस जगह दीवार है, खंभा है, या जूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ या कील ठोकी हुई हो, अग्नि से संबंधित कोई चीज हो, तो धन धान्य का नाश होता है, अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, भय बना रहता है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या आती है, अल्सर एसिडिटी की बीमारी आ सकती है, लीवर आंत की बीमारियां आ सकती है, आपके हाथ से बहुत सारे सुनहरे अवसर सरक जाएंगे। ब्रह्मस्थल पर गलत चीजों का निर्माण होना मृत्यु दोष तुल्य माना जाता है, दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार का दोष होने से बच्चे बिन ब्याह रह जाते हैं, ज्यादातर पेट की बीमारी इन्हीं दोषों की वजह से आती है। घर के मध्य भाग में जल का टैंक होना, खड्डा होना, खंभा होना, इस प्रकार के मकान में मृत्यु कारक माना गया है, मृत्यु तुल्य माना गया है। उदाहरण तौर पर जलियांवाला बाग, उस बाग के ब्रह्मस्थल पर हुआ था। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बहुत से ऐसे मकानों और घरों को देखा है जिसमें आज कोई नहीं रहता है। कुछ इस प्रकार से भी है, वहां अपाहिज है, फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना कोई भी हो, इस प्रकार का दोष होने पर कुछ साल बाद बंद हो जाते हैं। मुंबई में शुगर मिल फैक्ट्री बहुत बड़ी है, काफी सालों से बंद पड़ी है, क्योंकि मध्य भाग में बहुत बड़ा स्तंभ है, खंभा है। उस फैक्ट्री में कुछ ही साल पहले एक कांड भी हुआ था। आप कहीं घूमने जाते हो, राजा महाराजा उनके जो गढ़ है, किले हैं, उनके बंद होने का कारण यही है। मध्य स्थल पर कुआ या तालाब मिलेगा, या स्तंभ मिलेगा, या बहुत बड़ा खंभा मिलेगा। आप अपनी गृह स्थिति नहीं सुधार सकते हो, लेकिन आप वास्तु की स्थिति सुधार सकते हो। आप अपना वास्तु विजिट करवाना चाहते हो, या घर का नक्शा भेजकर अपना वास्तु सही करवाना चाहते हो, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हो। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो इन नंबरों पर संपर्क करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जय गणेश।